एक 37 साल का व्यक्ति है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि पिताजी का बिजनेस संभाल, इसका भाई ने हिस्ट्री दिया है, पिताजी का बिजनेस संभाल रहा था, 37 साल का आदमी है और बचपन से ही थोड़ा डरावना था, मतलब डर वाला स्वभाव उसका था। किसी ने कुछ भी बोल दिया तो सुन लेगा, कोई कभी प्रतिकार नहीं करेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा, और डरता था लोगों ने, वो कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मतलब डरता था। एक छोटा व्यक्ति है ऐसा समझ के कि मैं छोटा हूँ, मेरे को नहीं समझता या मेरे को कोई कुछ कर देगा, ऐसा एंग्शियस पर्सनैलिटी। फिर काफ़ी अच्छी एजुकेशन हुई तो उनको लंदन में भेजा, लंदन में MBA करने के लिए भेजा, और वहाँ उसने डिग्री न लेते हुए वापस आ गया, क्योंकि वहाँ भी डरना, वहाँ भी बातचीत नहीं करना लोगों से, अकेले बैठना, वापस आ गया बिना डिग्री का। फिर उसकी हमने शादी कर दिया, ये सब भाई बोल रहा है बोला, उसकी शादी कर दिया। हमारा जो फैमिली बिजनेस था तो वो बिजनेस COVID-19 में पूरा बंद हो गया। फिर पिताजी बोलते थे तू कहीं कुछ कभी कर, कुछ तभी कर, शादी हो गई है ना, उसमें एक बच्चा भी हो गया, फिर कर कुछ तभी, ऐसा पीछे लगते थे, ये घर में बैठा था, किसी से बातचीत नहीं। और फिर इसमें क्या हो गया कि उसके मिसेस को भी घर में फिर अच्छे बर्ताव नहीं उससे किया जाता था, कि भाई इसका हस्बैंड भी काम नहीं करता, दोनों फुकट के बैठ के खाते, बच्चा भी हो गया, तो उसका भी अपमान करते थे बाकी लोग। इनकी झटझट फटकट खटखट चालू हो गई बीच में, वो चली गई मायके, और वो मायके जाने के बाद में फिर ये अकेला और हो गया। पहले तो भी उसको लग के पीछे लग लग के पत्नी कुछ ना कुछ बोलती थी, और अब तो पूरा पक्का ही वो विड्रॉन हो गया। और फिर किसके साथ में बातचीत नहीं करना, जॉब ढूंढा नहीं था। फिर वो गया बंगलोर, वैसा वो नॉर्मल था, मतलब वैसा कोई पागल नहीं था, बोले तो मैं भी बंगलोर जाके जॉब ढूंढता हूँ। फिर वहाँ जाने के बाद में वो कोई दोस्त के यहाँ रहता था, पेइंग गेस्ट करके रहते थे वो लोग, वहाँ से फिर पिताजी को मैसेज भेजता था, ऑडियो क्लिप भेजता था कि भाई तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, और मैं तो अकेला ही बैठा हूँ यहाँ, मेरे को खाने की भी प्रॉब्लम है। फिर एक दिन उसके दोस्त का फ़ोन आया कि अपने मन से बातचीत कर रहा है, अपने मन से बड़बड़ा रहा है, और बहुत गुस्सा करता है, कभी फेंक देता है कुछ बातें, कुछ चीज़ें। और फिर उसको धीरे ऐसा डर लगने लगा कि भाई मुझे पुलिस आएंगी, पकड़ लेंगी। उसके दोस्त ने फ़ोन किया, और फ़ोन करके फिर उसके पिताजी को बुला लिया, उन्होंने अकोला में लेके आया उसको। ये पूरा एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक बन गया। मैं ये बता रहा हूँ आपको इसलिए कि क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी बीमारी एकाएक चालू नहीं होती, धीरे 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 उसके लक्षण दिखाई देते हैं, हम उसको बोलते नहीं अलग ही है, थोड़ा सा अलग स्वभाव का है, ख्याल मत दो, मगर थोड़ा भी स्वभाव ठीक नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बताना जरूरी है। ये भी धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, मतलब पिछले 7-8 साल की ये हिस्ट्री बता रहे हैं, और अभी फ्रेंकली साइकोटिक बन गया, पूरे पक्के लक्षण आ गए। अभी कठिन होता है इसका इलाज करना, तभी भी हमने इसको शॉक ट्रीटमेंट दिया, करीब करीब उसको 8 शॉक बैठे, और काफ़ी फर्क पड़ गया, शांत हो गया, बातचीत अच्छा करने लगा, बोले भी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कुछ ना कुछ काम धंधा करूंगा, और अभी अच्छा मेंटेन हो रहा है एंटीसाइकोटिक के ऊपर। यूजली एंटीसाइकोटिक कितने दिन मिलाना चाहिए लोग पूछते हैं, तब बोलते भाई कम से कम 1 साल तो लो ही लो मिनिमम। अब ये 8-10 साल की बीमारी है समझ के चलो, तो इसको 3 साल लेने पड़ेंगे। तो ये है एक, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये पेशेंट की हिस्ट्री तो जरूर लोगों को शेयर करो, बहुत लोगों को ये स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है, करीब करीब 100 में से एक व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।